Hi everyone, welcome to JMW J Advanced experience. In this video you will get 5 important PYQ from complex numbers. क्लियर कि बिना इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से तब तक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. रिमेंबर इट माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. A man walks a distance of 3 units from the origin towards the northeast direction. From there he walks a distance of 4 units towards the northwest. So this is northeast. So this is northeast and northwest directions to reach a point P, then the positions of P. So that means क्या from here देखो ये तो coordinate axis है, यहीं से शुरू किया यहीं पे गया, फिर इधर से देखो ये A के है, ये नॉर्थ वेस्ट है, इधर क्या था नॉर्थ ईस्ट था. ठीक है, तो यार अब ये P का पोजिशन तुम्हें फाइंड करना है. सो मैंने इसका नाम दिया A एंड दिस इज इज P. A लेंथ क्या होगा? सो दिस इज देखो A मैंने इसको Z1 रिप्रेजेंट करता है, A Z रिप्रेजेंट करता है. Z1 एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू मॉड Z इनटू e to the power i थीटा. सो मॉड Z1 मींस क्या, दैट इज इज 3 e to the power π/4. अभी ये जो एंगल्स है सो दिस इज π/2 है. एंगल कहाँ पे जा रहा है? AP पे. सो z माइनस z1 कहाँ से जा रहा है? वो A से. सो दिस इज 0 माइनस z1 इज इक्वल टू दिस. ये रोटेशन का थ्योरम अप्लाई किया. ये जो एंगल्स है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसीलिए e to the power माइनस i π/2 है. सो दैट इज दिस माइनस i होता है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो दैट मीन्स z का जो वैल्यू है सो 3 + 4 i होता है e to the power i π/4 है. दिस ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटीज है, आपको समझने का कोशिश करना. Now if modulus of z is equal to 1 where z is not equal to 1, all the values of z lie on किसके ऊपर lie करेगा? So देखो a line not passing through the origin mod z equal to √2 है, the x axis as well as the y axis. मैंने इसको ये कंसीडर किया दिस. अभी देखो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1. सो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1. सो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1. तो 1 का जगह पे जेड इंटू जेड बार लिख दिया. ठीक है, अभी जेड से डिवाइड कर दो ये मिलेगा. सपोज इफ यू कंसीडर्स लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ठीक है, तो जेड माइनस जेड बार क्या होगा? सो दिस इज जेड बार माइनस जेड x माइनस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y. देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया. ठीक है, सो दिस अभी ऊपर -1 मींस का आयोटा का स्क्वायर बाय आयोटा. सो दिस ठीक है, तो पॉइंट किस फॉर्म में हो रहा है? देखो 0 1/2 y x कोऑर्डिनेट 0 है. सो दैट मींस दैट द पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस. A particle P starts from Z0 is 1 + 2 iota. It moves first horizontally away from the origin by 2 units and then vertically away from origin 3 units to reach a point Z1. From Z1, the particle moves √2 units in the directions of this and then it moves through an angle π/2 in anticlockwise directions on a circle with center at origin to reach a point Z2. The point Z2 is this. ठीक है, ये जो आप पार्टिकल P starts from this, इस पॉइंट से P स्टार्ट किया. ठीक है, क्लियर. लास्ट में सो लाइक दिस. सो अभी हॉरिजॉन्टली 5. ठीक है, यहीं पे क्या है? देखो हॉरिजॉन्टली 5 यूनिट्स एंड देन वर्टिकली ओरिजिन. सो दिस इज 3 यूनिट्स एंड देन इट रीच पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शंस ऑफ. ठीक है, ये जो पॉइंट है ठीक है इन द डायरेक्शंस ऑफ i प्लस j, इधर 1 यूनिट इधर y 1 यूनिट. ये जो है क्लियर लेंथ है. सो दैट इज √2 है. सो दैट मींस क्या जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो यहीं पे सो दिस इज z0 तो 1 + 2 आया. तो z1 का क्या होगा? देखो सो दिस इज व्हाट 5 + 1 6 + so obviously you can say देखो यहीं पे 1 5 1. so that is 7 unit 1 5 1. that is in 7 unit, and y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 3 1, that is in 6 unit. ठीक है, इस डायग्राम से आप समझने का कोशिश करो 2 3 1, सो दैट इज इन 6 यूनिट. अभी यहीं से ऐसा करके रोटेट हुआ है, तो रोटेशन का कंसेप्ट अप्लाई करो, कहाँ पे जाए OP में. ठीक है, सो Z2 माइनस 0 बाई Z1 माइनस 0 तो ये, सो ये जो लेंथ है सपोज दिस इज OQ ओवर OP इक्वल टू दिस. ये लेंथ तो दोनों का सेम है, ये लेंथ सेम है, इसलिए कैंसिल हो गया. e to the power I pi by 2 equal to iota. तो ये प्लस मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट दिस, सो दैट इज वाई माइनस 6 प्लस 7 आयोटा. ठीक है, एक डायग्राम को समझने का कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. ये 2008 JEE एडवांस का क्वेश्चन है. Let Z be a complex number where x, y are integers, then the area of the rectangle whose vertices are the roots of this. ठीक है, जब ऐसा होगा सो एरिया पे रेक्टेंगल क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. इसे सिंप्लीफाई करो, जेड बार इंटू दिस, इसे एक जेड कॉमन ले लिया, सो दिस इज जेड बार इंटू जेड, सो दिस. अभी ये क्या मतलब सब जेड का स्क्वायर, उसे कॉमन ले लिया. अभी सपोज इफ यू कंसीडर जेड तो एक्स प्लस आयोटा हुआ है, इस पे पुट करो, इसको जब ब्रैकेट रिमूव करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2, इसके साथ कैंसिल करो, सो दैट इज 175 है. ठीक है, तो ये 175 का मतलब क्या है, सो दिस इज 175, 25 इंटू 7 है, तो एक्स इज 4 एंड वाई इज 3 है. तो यह सो ऐसा रेक्टेंगल है, तो सो ए लेंथ 4 है, तो होल लेंथ कितना होगा 8 है, ए लेंथ 3 है, तो होल लेंथ क्या होगा 6 है, सो दैट इज इक्वल टू 48. Let z is equal to cos theta plus iota sin theta, then the value of this क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, cos ऑफ a d my inverse theorem अप्लाई कर दिया, सो दैट इज दिस वन sin 2m minus 1, सो ये जो वैल्यू है सो दैट इज क्लियर. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, सो sin theta, सो दिस sin दिस क्लियर, यहीं पे वैल्यू को लिख दिया. अभी ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, sin alpha plus beta sin alpha plus 2 beta sin alpha plus n minus 1 into beta sin n beta by 2 by sin beta by 2 into sin of this. ये फॉर्मूला को अप्लाई किया, देखो इसका साथ कंपेयर करो, बीटा का वैल्यू क्या है 2 थीटा है. ठीक है, 3 थीटा है ना, बीटा का वैल्यू क्या है 2 थीटा, तो sin n बीटा बाई 2, n क्या है 15 है, 15 इंटू 2 थीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस अल्फा, तो यहीं पे थीटा है, अल्फा प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 बीटा बाई 2 है साइन 15 थीटा, थीटा तो 2 डिग्री है, साइन स्क्वायर 30 बाई साइन 2 डिग्री, सो दैट इज 1 बाई 4 साइन 2 डिग्री है. सो दिस ऑप्शन इज द राइट चॉइस. So my dear friends, you have got 5 fantastic PYQ from complex numbers. If you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. Don't forget to subscribe my channel JMW. Thank you very much for watching me and listening my word. All the very best for your forthcoming JEE Advanced.